नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं फिर एक बार नौसाद डेयरी फार्म पे। आज हम आपको नौसाद डेयरी फार्म पे कुछ दिखाएंगे गाय जो कि बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो जानेंगे क्या है रेट क्या नहीं, एक एक गाय का डिटेल पूरी तरीके से आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको नौसाद डेयरी फार्म के ओनर से मिलवाएंगे और उनसे जानने का प्रयास करते हैं गाय का रेट प्राइस। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई, कितनी गाय हैं आज आपके पास? आज हमारे पास लगभग कोई 14-15 गायें उपलब्ध हैं। 3-4 गायें सेल हो गई हैं अभी 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 हाँ अभी चली गई सेल। तो ये कौन सी नस्ल में है जो आगे देखने को मिल रही है? नस्ल में दोगली गायें हैं। दोगली जी, दोगली। अच्छा, सबसे पहले आप लोग दोस्तों देख सकते हैं अडर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन बनाई है, काफ़ी अच्छी मिलेगी जानवर की, हर जानवर की देख लीजिए दोस्तों। आपको मैं धूप के कारण जो है इनको चला के नहीं दिखाया जा रहा है, धूप काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए जो है अंदर शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो भाई अभी कितना टाइम है बच्चे करने का? बच्चे देने में 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ता? जी 1 हफ्ता बता रहे हैं। और फर्स्ट टाइमर है सेकंड टाइमर? सेकंड टाइमर। सेकंड टाइमर की बच्चा कर देगी कितना लगभग मिल्क करेगी भाई? 20 केजी कर देगी। 20 केजी जी। मांग कितना रहे हैं इस वाली गाय का? इसके दाम 70,000 रुपये हैं। 70,000 जी इस वाली गाय का जो है 70,000 मांग रहे हैं। कुछ कम ज़्यादा भी हो जाएगा ना भाई? दोस्तों नौसाद डेयरी फार्म से आपको एक दूसरी गाय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब ये कौन सी नस्ल में है? ये भी क्रॉस ब्रीड की है, दोगली गाय। दोगली देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी ऊंची गाय है। आप लोग अडर क्वालिटी भी एक बार देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन बनाई है। पहला बच्चा है, फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर की है जी, फर्स्ट टाइमर की है। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन गाय है। भाई अभी इसका कितना टाइम है बच्चा करने में? बच्चा करने में इसको 14-15 दिन का टाइम है। 14-15 दिन जी देख सकते हैं काफ़ी ऊंची गाय है, काफ़ी बेहतरीन है। और कितना मांग रहे हैं भाई इस वाली गाय का? इसके 62,000 रुपये। 62,000 जी। बच्चा करने के बाद कितना लगभग मिल्क करेगी? भाई पहली बार बच्चा करेगी तो इसमें कम से कम 14-15 लीटर दूध रहेगा पहली बार। पहली बार फर्स्ट टाइमर है ना? काफ़ी बेहतरीन गाय है। जो आपके पास तीसरी गाय है? जी हमारे पास फर्स्ट टाइमर बच्चा है, ये भी गीर और साहिवाल का क्रॉस है। ये वाली गाय जो देखने मिल रही है गीर और साहिवाल का क्रॉस है, काफ़ी बेहतरीन है। देख सकते हैं काफ़ी ऊंची गाय है, काफ़ी अच्छी अडर क्वालिटी, भी काफ़ी बेहतरीन है। देख सकते हैं आप लोग बच्चा देने में इसको अभी 12-14 दिन का समय है। अच्छा जी, 14 दिन का टाइम है बता रहे हैं आप? 12 से 14 दिन। इसकी कितना मांग रहे हैं? कितना इसके दाम लेंगे हम भाई? 65,000। 65,000 जी, 65,000 इस वाली गाय का मांग रहे हैं। बच्चा करने के बाद कितना लगभग मिल्क करेगी? भाई देसी नस्लों में अक्सर क्या नाम 12 से 14 का रेशो रहता है जी। फर्स्ट टाइमर बच्चा करेगी पहली बार तो इस समय क्या नाम है 12 लीटर के प्लस ही रहेगी जी। काफ़ी बेहतरीन बच्चिया है, फर्स्ट टाइमर है ना भाई साहब? जी फर्स्ट टाइमर 2,000। काफ़ी बेहतरीन बच्चिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँची भी है, आपको देखने को मिल रही होगी, देख लीजिए आप लोग। और जो आपके पास चौथी गाय है दिखाने के लिए? हमारे पास चौथी गाय है, ये भी क्रॉस ब्रीड में है। ये भी है भाई? हाँ ये भी क्रॉस ब्रीड में, दोगली है। अभी इसका कितना टाइम है बच्चे करने में? इसको बच्चे देने में 10 से 12 दिन का समय है। 10 से 12 दिन बता रहे हैं। अभी काफ़ी बनेगी, काफ़ी बेहतरीन अटर क्वालिटी, अटर क्वालिटी चारों वाट अलग अलग देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची गाय है। भाई साहब फर्स्ट टाइमर है सेकंड टाइमर? फर्स्ट टाइमर है वो, सेकंड टाइमर है भैया। सेकंड टाइमर की जी भैया जी। कितना मांग रहे हैं? मांग लेंगे 65,000। 65,000 मांग रहे हैं, कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा? हो जाएगा 2,000-2,000 रुपये कहना कस्टमर जी। जो इनके पास पांचवी गाय है, आपको पांचवी गाय दिखाने का प्रयास? फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर है? जी फर्स्ट टाइमर है। काफ़ी बेहतरीन गाय है, कौन सी नस्ल में है? ये गिर लैंडो है। गिर लैंडो बता रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है, आप लोग एक बार अडर क्वालिटी देख लीजिए इस वाली गाय का, काफ़ी बेहतरीन गाय है। भाई अभी कितना टाइम है बच्चे करने का? बच्चा देने भाई इसमें 12 से 14 दिन का टाइम। 12 से 14 दिन जी, 12 से 14 दिन का टाइम। बच्चा करने के बाद तब भी कितना मिल के करेगी? भाई फर्स्ट टाइम अरे 14-15 लीटर दूध देगी, क्योंकि बड़ी गाय है। अच्छा, काफ़ी ऊंची है। मांग कितना रहे हैं? मांग इसके 70,000 रुपये। 70,000? 70,000 रुपये। 70,000 मांग रहे हैं, काफ़ी ऊंची गाय भी है, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप लोग डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर आप गाय खरीदिए, काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर इस डेयरी फार्म पे देखने को मिलती है गाय, कि नहीं भाई? जी जी। एक कौन सी नस्ल में है? ये गीर और साहिवाल का क्रॉस है। देख सकते हैं सबसे पहले इस वाली गाय का आर्डर क्वालिटी दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग को, काफ़ी बेहतरीन गाय है ये देखिए, काफ़ी बेहतरीन गाय है। अभी अडर क्वालिटी धीरे धीरे बना रही है,
अभी लमसम हमारे अंदाज से 10 से 15 दिन टाइम है बच्चा करने में। भाई कितना टाइम रहेगा अभी बच्चा करने में? इसमें भाई अभी 14-15 दिन का समय है, 15 दिन का। 15 दिन के ना जी भैया। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइमर है सेकंड टाइमर? नहीं सेकंड टाइमर है, बस सेकंड टाइमर का है। बछिया काफ़ी बेहतरीन है, सीधी सादी एकदम शांत स्वभाव देख सकते हैं। बाटों की सुंदरता काफ़ी अच्छी है, देख लीजिए आर्डर क्वालिटी। इसका कितना मांग रहे हैं भाई साहब? इसके लेंगे भैया 65,000 रुपये। कितना? 65,000 मांग रहे हैं इस वाली गाय का। काफ़ी बेहतरीन गाय भी है। और भाई साहब बहुत सारे लोग बोलते हैं और सस्ती गाय दिखाइए, तो उसके बारे में हैं गाय दिखाएंगे अभी वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे आपको जी। आपको सस्ती गाय भी दिखाएंगे 40-45,000 अभी वाली। ये भाई कौन सी नस्ल में है ये वाली गाय? साहीवाल नस्ल की गाय है, काफ़ी बेहतरीन गाय है देख सकते हैं। अभी कितना टाइम है भाई साहब इस बच्चे करने को? ये बच्चा दे दिए भैया, बच्चा दे दिए, बच्चा दे दिया आज इसको। बच्चा दिए हुए का नाम रात में बच्चा दिया, आज समझ लिए दूसरा दिन है। दूसरा दिन हो गया, बच्चा कर दी है। पेवस कितना निकाले हैं? लगभग 14 लीटर पे उस तैयार है भी। अभी दोनों टाइम में तैयार हो गया सकता है कोई भी। काफ़ी बेहतरीन इसका बच्चा वहाँ देखने को मिल रहा है, वहाँ देखिए आप लोग वहाँ। और 14 लीटर बताया ना, 14 लीटर पे उस दूध ले जा सकता है कोई भी इस समय जी। मांग कितना रहे भाई साहब इसकी? डिमांड हम 65,000 रुपये इसकी कर रहे हैं। 65,000 जी जी। अभी बच्चा कर दी है बता रहे हैं, बच्चा कर दिए, बछवा भी आई है। बछवा? हाँ बछवा। ये जो गाय देखने को मिल रही है इस वाली गाय का क्या रेट है? ये फर्स्ट टाइमर बछवा है जी। नस्ल में कौन सी है? ये नस्ल में भैया गिर और साहिवाल क्रॉस है जी। गिर साहिवाल में क्रॉस है, ब्रीड है बता रहे हैं इस वाली गाय का। काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ऊँची गाय, फुल लेंथ की है। फर्स्ट टाइमर है जी? फर्स्ट टाइमर है। अच्छा अच्छा, आर्डर क्वालिटी अभी देख लीजिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन फुल लेंथ की है गाय है। काफ़ी बेहतरीन गाय है आपको देखने को मिल रही है। भाई साहब कितना इस वाली का मांग रहे हैं रेट? बच्चा के दाम हम 55,000 रुपये लेंगे। 55,000 मांग रहे हैं इस वाली गाय का, देख सकते हैं 55,000 मांग रहे हैं। फर्स्ट टाइमर की बछिया है, अभी देख लीजिए आर्डर क्वालिटी इस तरीके से बनाई है। अभी लगभग 15 दिन का टाइम है ना भाई? हाँ बच्चा देने में अभी 15-16 दिन का टाइम है, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन गाय है। और आपको एक पंजाब की जो जर्सी गाय है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जी। पंजाब की जर्सी ब्रीड है जी, काफ़ी बेहतरीन है देख लीजिए। अगर आप लोग जो है दुधारू गाय खरीदना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये गाय रहती है हमारे अंदाज से, बहुत ही अच्छी गाय रहती है। पंजाब के जर्सी गाय है ना भाई साहब? हाँ पंजाबी जर्सी गाय, देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन गाय है। भाई साहब इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना लीटर लगभग मिल्क करेगी बच्चा करने के बाद? 20 लीटर बता रहे हैं। आर्डर क्वालिटी अभी इस तरीके से बनाई, फर्स्ट टाइमर है सेकंड टाइमर की? सेकंड टाइमर है भैया। अच्छा अच्छा, सेकंड टाइमर की गाय है। और ऐसी गाय जो है दुधारू बहुत होती है कि नहीं भाई साहब? बहुत बेहतरीन गाय है आप लोग देख सकते हैं। जो पंजाब के जर्सी गाय खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गाय है। और कितना टाइम बताया भाई बच्चा करने में? 15-16 दिन का टाइम है अभी। 15-16 जी जी। मांग कितना रहे इस वाली गाय का भाई? मांगना कुछ भी लेकिन 58,000 लेंगे। 58,000 है, 58,000 इस वाली गाय का मांग रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन गाय भी है और दुधारू गाय है। और भाई ये वाली गाय का क्या रेट है जो आगे देखने को मिल रही है मुझको? साहिवाल ब्रीड में ये गाय, साहिवाल ब्रीड में काफ़ी बेहतरीन गाय है देख सकते हैं आप लोग। क्या नाम? हरियाणा साहिवाल आ जाती है जी। सीधी साधी एकदम शांत स्वभाव की गाय है। अभी कितना टाइम लेगी इसको बच्चा देने में भाई? 15 दिन का टाइम है अभी। 15 दिन जी? 15 दिन का टाइम है जी। फर्स्ट टाइमर है सेकंड टाइमर? सेकंड टाइमर के ना भाई साहब? टाइमर के, सेकंड टाइमर के गाय बता रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन है। भाई साहब इस वाली गाय का आप कितना मांग रहे हैं? देखो ये फुल साइज की गाय है भी लेकिन इस गाय को हम 48,000 रुपये में सेल कर देंगे। 48,000? एक्चुअल दाम है 48,000 रुपये में इस गाय को सेल कर देंगे जी। उससे कम नहीं होगा? 500-400 की कसम नहीं खाएं लेकिन हमारे यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होगी। फुल साइज की गाय है एकदम। हाँ काफ़ी इस समय अच्छी है, काफ़ी अच्छी अटर क्वालिटी है। दूध भी का नाम 14-15 लीटर करेगी गाय। अच्छा, लेकिन 48,000 रुपये ले जाएंगे। 48,000 जी? 48,000। दोस्तों अगर आप लोग 40-45,000 में खरीदना चाहते हैं गाय तो ये 40-45,000 वाली गाय हैं, कुछ आपको सस्ते दाम में मिल जाएंगी कि नहीं भाई? हाँ ये दे देंगे ये भी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की गाय है, ये भी लंबा करेगी।
तब भी कितना लीटर कर देंगी दोनों टाइम में? भाई इनमें 12 और 14 के बीच का रेशियो रहेगा। 12 से 14 लीटर जी, 12 से 14 का रेशियो रहेगा, उससे कम देंगे हमारी गारंटी है जी। मांग कितना रहे हैं? मांग इसके हम एक ही दाम कंफर्म लेंगे, एक ही दाम 42,000 रुपये। 42,000 जी, देख सकते हैं 42,000 में ये वाली गाय आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कभी भी आएंगे खरीदने के लिए आपको 80,000 भी मिलेगी, 50,000 भी गाय है, और 40 से 45,000 वाली भी गाय इनके पास रहते हैं कि नहीं भाई साहब? जी भैया जी, सब दामों के। इसका क्या मांग रहे हैं? इसके भाई एक ही दाम एक्चुअल दाम लेंगे हम 40,000 रुपये। 40,000 इस वाली गाय का। 40,000 रुपये 12 से 14 का रेशो रहेगा जी। कौन सी नस्ल में है ये? क्रॉस हाइब्रिड है, दोगली गाय है। दोगली गाय जी। ये भी गाय काफ़ी बेहतरीन है, इनके पास जो है काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन गाय आती हैं। अगर जैसे पैसा लगाएंगे वैसे आपको देखने को मिलेंगी अच्छी अच्छी गाय, कि नहीं भाई साहब? जी जी जैसा देख सकते हैं सभी गाय जो है काफ़ी बेहतरीन इनके पास हैं। और सबसे ज़्यादा आपके डेयरी पे किस दिन रहती हैं गाय? बुधवार के दिन भारी संख्या में गाय दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, बुधवार के दिन। आज सुबह बहुत गाय थी, लेकिन 3-4 गाय इसमें सेल भी हो गई है जी। ये 17-18 गाय अवेलेबल थी जी, कम से कम 3-4 गाय चली गई है, अभी लोड हो गए जी। और इस समय भी मौके पे हमारे पास 13-13 गाय मौके बची है। 13 गाय? हाँ 13 गाय। दोस्तों अगर आप लोग जो है बुधवार के दिन यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी गाय, कि नहीं भाई साहब? जी जी, बुधवार के दिन भारी संख्या में गाय दिखा देंगे, 18-20-25 गाय हमें। अच्छा, गायों का स्टॉक तो हमेशा ही रहेगा जी, हरदम रहता है, मगर बुधवार के दिन ज़्यादा ज़्यादा दिखाई देती है ना भाई। तो भाई साहब एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए जो नए व्यूअर्स लोग आए हैं उनके लिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। भाई अगर इलाहाबाद की तरफ से आओगे जी तो अंदावा चौराहे से 8 किलोमीटर दूर सासो चौराया पड़ता है, राम जानकी मंदिर के सामने जी। अंदावा से 8 किलोमीटर आगे सासो चौराया जी जी। और अगर जौनपुर की तरफ से आएंगे तो फूलपुर से 15 किलोमीटर आगे ये सासो चौराया पड़ता है जी, राम जानकी मंदिर के सामने, किसी से आगे पूछे विराट पशु मेला। विराट पशु मेला। आपकी डेयरी फार्म का नाम क्या है? नौसाद डेयरी फार्म जी। नौसाद डेयरी फार्म पे कभी भी आएंगे आप लोग गाय खरीदने के लिए आपको मिलेंगी, आपको अच्छी अच्छी गाय दिखाने का प्रयास करते हैं, अवेलेबल करा देंगे हर नस्ल में, जो कस्टमर की डिमांड हो वही गाय मिल जाएगी जी। एक बार अपना नंबर बोल दीजिए जो आप भाई डेयरी फार्म करने के लिए आपसे संपर्क करना चाहें। 8176020700। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग को डेयरी फार्म करने के लिए गाय खरीदना है तो इनके पास काफ़ी बेहतरीन गाय आती हैं। अभी जो है 13 गाय बची हैं कि नहीं भाई? हाँ जी, अभी 13 गाय अवेलेबल है सेल के लिए। चलिए ठीक है भाई।